दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशाला में भी आई इंग्लिश टीम की शामत। बेसबॉल के अंदाज में पहले कप्तान रोहित ने इंग्लिश गेंदबाजों का घमंड किया चकनाचूर। फिर यशस्वी के साथ मिलकर गिल और सरफराज ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा तांडव। पहले दिन ही टीम इंडिया ने ठोक डाले 600 से अधिक रन। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में ताश के पत्तों की तरह उड़ गए इंग्लिश गेंदबाज? आखिर कैसे धर्मशाला में एक बार फिर से टीम इंडिया ने लहराया अपना परचम? किस खिलाड़ी ने बनाया कितने रन और किसने ठोका सबसे तेज शतक? कौन खेल रहा है कितने रन बनाकर? पांचवें टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित गिल और यशस्वी में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 3-1 से सीरीज में लीड बना चुकी टीम इंडिया पहले ही सीरीज में विजेता बन चुकी थी। ऐसे में दबाव इंग्लैंड पर था, उन्हें अपना सम्मान बचाना था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। धर्मशाला के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में एक बार फिर सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। एक बार फिर इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर 3 नंबर पर भेजा गया और गिल को दोबारा ओपनिंग का स्थान मिल चुका था, क्योंकि पहले ही टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी थी। और दोस्तों, नई पोजीशन में इन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर चौका बटोर कर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई और देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। पहले मैच में इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो गई थी। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। देखते देखते पहले सेशन का अंत आ गया, जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 183 रन बनाए। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री ले सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर चौथे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद में पूरा किया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल ओली रॉबिन्सन के जाल में फंस गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 141 गेंद पर बेहतरीन 112 रन बनाए, उसमें 5 छक्के 4 चौके शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में इस सीरीज के हीरो दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। मैदान में एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे। इंग्लैंड को लगा कि पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को नहीं था। जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, फिर दोस्त मैच को T20 बनाते हुए चौके झक्कों की झड़ी लगा दी। यहाँ एक के बाद एक यशस्वी ने रूट की 3 गेंद पर 2 चौके और 1 तूफानी छक्का भी ठोक दिया और मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और चाहे तक उन्होंने अंग्रेजों को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोर कर एक और तूफानी शतक ठोक दिया। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों का विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 49 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 390 रन बना लिए थे, वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी यशस्वी को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित ने कंधे से कंधा मिलाते हुए शानदार होनहार खिलाड़ी के भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों में पूरा किया, वह भी टॉम हार्टले की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर। इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद भी उन्होंने रुकने का मन नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गिलती कर बैठे और 123 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अब उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे सरफराज खान। इस बार उन्हें 4 के पायदान पर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति अपना ली, लेकिन फिर भी रोहित और सरफराज टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की और बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। देखते ही देखते उन्होंने केवल 39 गेंद में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा करके हर किसी को होश उड़ा दिया और उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। और कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड को खून के आंसू भी रुला दिए। कप्तान रोहित ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया और वह भी लंबे समय बाद। कप्तान की उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। उसके बाद भी रुकना क्या होता है या तो उन्होंने सीखा ही नहीं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धज्जा उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 632 रनों तक पहुंचा दिया, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है।
जी हाँ दोस्तों, पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली, जहां कप्तान रोहित 263 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के और 17 बेहतरीन चौके भी लगाए। वहीं सरफराज ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे। 110 रनों की अपनी यादगार पारी को सरफराज ने 10 खतरनाक चौकों 3 खौफनाक चौकों से सजाया था और एक ही दिन में 4 बल्लेबाजों ने शतक ठोक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि भारत में टेस्ट मैच को जीतने का सपना देखना उनके लिए केवल एक सपना रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है पांचवें टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, रोहित या यशस्वी गिल या कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।